हेलो फ्रेंड, मैं अंकित विश्वकर्मा सिविल इंजीनियर। आप सभी लोगों को फिर से एक नई वीडियो लेक्चर स्वागत है। फ्रेंड, आज का वीडियो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। अब चलते हैं फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो टॉपिक है PWD में कॉन्ट्रेक्टर लाइसेंस अपने ठेकेदारी का लाइसेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, PWD कॉन्ट्रेक्टर लाइसेंस बनाने के लिए PWD वालों ने लाइसेंस को चार कैटेगरी में बांटा है। पहला होता है A, B, C, D। सबसे पहले अपन को लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, वो होता है डी कैटेगरी। ठीक है फ्रेंड, डी कैटेगरी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको पहले तो ID कार्ड होना चाहिए। ID कार्ड में अपना आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अपना ड्राइवर लाइसेंस हो गया। ठीक है फ्रेंड, दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप अपना घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो GST नंबर, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है अनुगम प्रमाण पत्र। ठीक है फ्रेंड, अगर आपके पास अनुगम प्रमाण पत्र नहीं है तो अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको अनुगम प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं। फिर डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट साइज के 4 फोटो। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपन अपनी तहसील में PWD ऑफिस में जाकर इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, अपन ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। PWD में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।